नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से, और आज यार मौसम इतना उमस हुआ पड़ा है। अभी शाम के कितने हुआ है, 3:15 हुए हैं, अभी 3:15 का टाइम हुआ है, और इतना उमस है, पूरे बादल छाए हुए हैं। मतलब किसी भी टाइम बारिश आने की पूरी पूरी संभावना है। और आज क्या हुआ कि आज मॉर्निंग टाइम में हमारे घर पे एक स्नेक घुस गया था, लेकिन हमारा जो पेट है उसने उसको देख लिया, उसको भौंका। उस समय हम लोग यूट्यूब पे लाइव चल रहे थे, मतलब जो प्राची फाउंडेशन वाला चैनल है जहाँ पर एजुकेशनल वीडियो बनते हैं, वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव थे, और तभी इसके भौंकने की आवाज़ आई। तो जब उस देखा तो वहाँ पर जो सांप है वो दरवाजे की ग्रिल से ऐसे लिपटा हुआ था। और उसके बाद हमने स्नेक कैचर को बुलाया, लेकिन तब तक जो है चुका था। तो मैं अपने पेट से मिलाती हूँ, जिसकी वजह से यार आज हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो वहाँ पर इतना स्पेस है कि वो अंदर आ सकता था, और कहीं भी यार सोफे वगैरह के नीचे अकेडमी में घुस सकता था, और जो किसी को भी डैमेज कर सकता था। तो ये हमारा पेट है, ये देखो, और देखो तुम्हारी शक्ल दिख रही है उधर। इसकी वजह से आज हम लोग बच गए हैं। और इसके बारे में मैंने बताया है कि ये कौन है, कैसे कौन है, ये तो पता ही आपको कौन है, लेकिन हमारे लिए इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू। अभी से नहीं, जो लोग पुराने मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इसकी क्या वैल्यू है। और ये एक स्ट्रीट डॉग है, हमने मतलब एक शौक के लिए नहीं डॉग को पाला है, ये एक स्ट्रीट डॉग है। और एक बार मुझे ये जो है, थोड़ा सा मैं स्टोरी बता देती हूँ, मुझे ये बहुत छोटा सा था, मेरे ख्याल 4-5 दिनों का था ना, तो ये सड़क के किनारे एकदम मतलब एकदम ही अधमरा सा था ये। तब मैं उसको वहाँ से उठा के लेके आई थी अपने घर, और तब से लेकर ये हमारे साथ ही है। और इसने 2-3 बार तो जो है वो चोरों को भी पकड़वा दिया है, और आज तो इसने मतलब सोचो कि जान ही बचा दी। और ये बहुत नोटी है, ये अभी एकदम शांत है, लेकिन ये बहुत शरारती भी शरारत भी करता है। बट ये अपने आप को पहली चीज़ तो ये डॉग मानता ही नहीं है। इसका ये है कि मैं भी एक इंसान हूँ, और मेरे साथ मुझे बेड पे सोना है, मुझे सोफे पे बैठना है, और मुझे प्लेट में ही खाना है, जहाँ जैसा तुम लोग खाओ वैसा ही, यानी ये इसका जो बाउल है उसमें नहीं, जैसा प्लेट पे हम खाएंगे वैसा ही इसको खाना है। तो मतलब अपने आप को किसी भी तरीके से अलग नहीं समझता है। ये देखो, तो दोस्तों अभी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और थोड़ा सा पहले चाय पी लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो कुछ आपको हिलते हुए दिख रहा है, ये छड़िया वगैरह, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखो हल्का हल्का यहाँ पर झाड़ियाँ जो है वो हिल रही है। यहीं पर ये स्नेक जो है वो घुस गया था बाद में, और फिर उसके बाद वही है, स्नेक कैचर बुलाए थे, लेकिन तब तक ना ये निकल गया था साइड से, अभी नहीं है यहाँ पर, ये साइड से दीवार पर चढ़ के जो है वो निकल गया है। ये देखिए शाम के बज चुके हैं 7:50, और मेरा यार बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। आज का दिन बहुत ही फ्रूटफुल दिन था। जब सारे काम आप जो मॉर्निंग डिसाइड करते हो ना कि ये काम, मतलब मैं तो एक दिन पहले सेट कर देती हूँ अपना कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, जब वो सारे काम एकदम फिनिश हो जाते हैं ना, चाहे प्रायोरिटी लिस्ट पे है या थोड़े कम प्रायर है, लेकिन जब वो सारे काम हो जाते हैं ना तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मेरा आज सारा के सारे काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ा आप लोगों ने देखी, थोड़ा सा ख़राब थी, बट ओवरऑल जो रिज़ल्ट था वो बेहतर निकला। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगी, एक चैनल है रवि सालोनी करके, उनके चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छा चैनल है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, और आप लोग ज़रूर देखिए, उन लोगों को सपोर्ट करिए। क्योंकि यार दोस्तों सीधी सी बात है, आप लोगों का जो सपोर्ट होता है ना, वो किसी भी पर्सन को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। कंटेंट क्रिएटर यानी जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपना कंटेंट बना तो सकते हैं, लेकिन जब तक आप लोग उसको अप्रिशिएट ना करो, जब तक आप लोग उसको ना देखो, तब तक वो सारी मेहनत उसकी बेकार रहती है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप वो चैनल देखिए, आपको पसंद आता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं पहुंची अपने सीधे किचन और यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो मूंगा दाल की तैयारी चल रही है, यानी ड्रम स्टिक बोलते जिसको। और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको पहले से तैयार कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर जो है ये जो मैंने ग्रेवी तैयार की है उसके बीच में इसको 5-6 मिनट तक डालूंगी और उसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूंगी। इसकी अपनी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार खाई लेनी चाहिए। मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही इसको बनाना और खाना सीखा है क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना नहीं है ये, और पहले ज़्यादा पसंद नहीं आता था लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अपने तरीके से बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा हिमाचली तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए इसमें मैंने अब दाल डाल दी है, बस इसको 3-4 मिनट और रहने दूंगी क्योंकि मैंने मूंगा भी पहले पका लिया है और दाल भी पका ली है। तो ये मेरा मूंगा दाल तैयार। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।